current. Find the time required for a 50 hertz alternating current to change its value from 0 to RMS. Hello guys, welcome again. I'm a mentor Anurag. तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पहले तो हम देख लेते हैं गिवन पार्ट है क्या. गिवन पार्ट ये है कि आपको एक फ्रिक्वेंसी गिवन है विच इज़ इक्वल टू 50 हर्ट्स. ठीक है, उसके बाद निकालना है अपने को टाइम. क्या निकालना है? टाइम. और जब करंट की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो से RMS. ठीक है, तो इसके लिए अपने को एक करंट इक्वेशन जरूरी है. एक रिलेशन आता है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, अगर आपने अल्टरनेटिंग करंट गो थ्रू किया है तो आप इसके बारे में अवेयर हो. ठीक है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी. सही है. तो ये क्या है? कोई भी करंट है. क्या है? कोई भी करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी. और आई नॉट क्या है? मैक्सिमम करंट, जिसको आप क्या बोलते हो? एम्पलीट्यूड बोलते हो. और कौन सा करंट है ये? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. ठीक है, और ये कौन सा करंट है? ये कोई भी करंट है. ये क्या है? कोई भी टाइम इंटरवल है. ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं इसको ग्राफिकली समझाऊं तो क्या है कि साइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है करंट, तो ये साइनोसोडल एक वेव बना दी. सही है, यहाँ पर ये करंट चल रहा है और यहाँ पे क्या चल रहा है? टाइम चल रहा है. ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूँ तो टाइम क्या है? ज़ीरो. तो और करंट भी क्या है? ज़ीरो. ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आता हूँ तो यहाँ पर करंट की कोई वैल्यू है जैसे लाइक आई वन, तो यहाँ पर टाइम की भी कोई वैल्यू है टी वन. ठीक है, तो जब टाइम टी वन है तो करंट कितना है? आई वन. सपोज यहाँ भी देखता हूँ, यहाँ करंट कितना है? आई टू. तो यहाँ पर टाइम कितना है? टी टू. तो टी टू टाइम के अंदर करंट कितना हो जाता है? आई टू. इसी तरह अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ, यहाँ तो पीक करंट हो गया जिसकी वैल्यू कितनी है? आई नोट. ठीक है, उससे थोड़ा सा कम, सपोज इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर करंट की वैल्यू सपोज कर लेते हैं कितनी है? आई आर एम एस. ठीक है, और आई आर एम एस पे टाइम भी कुछ ना कुछ हुआ होगा. सपोज वो टाइम कितना है? टी थ्री. कितना टाइम है? टी थ्री. ठीक है, तो टी थ्री यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? टी थ्री. और ये कितना करंट है? आई आर एम एस करंट. जब टाइम कितना है? टी थ्री. और करंट कितना है? आई आर एम एस. ठीक है, तो आई आर एम एस कोई भी करंट हो गया, टाइम कोई भी टाइम इंटरवल हो गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं? टाइम इंटरवल के साथ आई आर एम एस का रिलेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो इस आई की जगह क्या पुट कर देता हूँ? कोई भी करंट जो इसने बोला हुआ है, क्या? आई आर एम एस. क्यों? क्योंकि इसने बोला है आपको कहाँ से कहाँ जाना है? ज़ीरो से लेकर आई आर एम एस तक जाना है. ठीक है, तो उसके बाद दैट इज़ द थिंग, आई नॉट साइन ओमेगा टी. कौन सा टाइम अपने को चाहिए? टी थ्री वाला. जस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए टी थ्री. ठीक है, आप टी भी पुट कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है. आई आर एम एस, आई नोट साइन ओमेगा टी थ्री, ये अपने को चाहिए. ठीक है, दैट इज द थिंग. अब आई आर एम एस और आई नोट में एक रिलेशन होता है. आई आर रूट मीन स्केयर इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट बाई अंडर रूट टू. इस रिलेशन पुट कर रहा हूँ मैं. आई नोट बाई रूट टू इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी थ्री. ओमेगा आई नोट से आई नोट कैंसल. वन बाय रूट टू इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी थ्री. ठीक है, और वन बाय रूट टू को मैं साइन की फॉर्म में लिख सकता हूँ साइन 45. साइन 45 को पाई बाय फोर इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी थ्री. ठीक है, टी थ्री वो वाला टाइम इंटरवल है जब करंट की वैल्यू कितनी हो गई है? आई आर एम एस हो गई है. नाइस. ठीक है, अब मैं एंगल कंपेयर करता हूँ तो ओमेगा टी थ्री इज इक्वल टू पाई बाय फोर. ओमेगा की वैल्यू होती है गाइस 2 पाई एफ मल्टीप्लाई में टी थ्री इज इक्वल टू पाई बाय फोर. पाई से पाई कट. ठीक है, और टी थ्री इज इक्वल टू 1 बाय फोर मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई एफ. अब एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं. टी थ्री इज इक्वल टू 1 बाय फोर 2 इंटू 50. ठीक है, 1 बाय फोर इंटू 100. 100 वाले भैया ऊपर जाके बन जाएंगे 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 4. 1 बाय 4 होता है 0.25. तो मैं बोल सकता हूँ 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2. अगर आपको बिल्कुल आंसर मैच करना है तो आप इसको 2.5 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 भी लिख सकते हो. और यूनिट क्या आएगी इसकी? सेकंड, क्योंकि टाइम निकाल रहे हैं. क्या निकाल रहे हैं? टाइम. ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट यही है कि जब टाइम ज़ीरो करंट ज़ीरो. टी वन हुआ करंट वन हुआ, टी टू हुआ करंट आई टू हुआ, टी थ्री हुआ करंट आई आर एम एस हुआ. ठीक है, सपोज यहाँ पर क्या हो सकता है? टी फोर हो सकता है. और करंट की वैल्यू क्या हो सकती है? पीक वैल्यू.
तो आपको बस सिर्फ ये जज करना है कि टी और आई एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है थ्रू दिस इक्वेशन, ये रिलेटेड है। ठीक है, होप फंडा क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और कोई आइडियल वे है तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।